अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो आज मैं आपके साथ बड़ी मज़े की, बहुत ही टिकटिव किस्म के चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो जोहर की नमाज़ के बाद से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है ना, आज मेरा डिनर प्लान नहीं था सच कुछ बनाने का, क्योंकि आज हमने बाहर खाना खाना था। ऑलरेडी हम प्लान कर चुके थे कि हमने बाहर जाना है आज डिनर पर बच्चों को लेकर, काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ जो है ना, मुश्तबा भी गए सिपारा पढ़ने के लिए, तो मिराल को नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया था, और मैं जो है कुरान पाक पढ़ रही थी जोहर की नमाज़ के बाद, और मिराल यहाँ पर बैठ के मेरे साथ खेल रही थी, अपनी कलरिंग कर रही थी। तो जनाब, आज मैं सोच रही हूँ कि मुश्तबा के लिए चॉकलेट केक बना लूँ, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहा था। तो मेरे पास ऐसे कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज आपको चॉकलेट केक बना के दे देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा केक है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं हैंड विक्सेस को बीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा है, जितने भी वेट इंग्रीडियंट्स हैं ना लिक्विड वाले, उन सबको मैंने मिक्स कर लिया, यानी कि ऑयल, दूध और अंडा। एक अंडे की रेसिपी से मैं ये केक बना रही हूँ। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कम्प्लीट रेसिपी मिलेगी, बहुत ईजी है, आपने एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको मिक्स कर लिया, और फिर लिक्विड और ड्राई, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और आपको कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा भी बेकिंग कर रहे हैं, तब भी आपसे ये केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मैं इसको फोर्थ टाइम घर पर बना रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें लम्स ना बने। और साथ ही साथ, अगर आपने चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद जनाब, मैंने लिया है अपने पास एक फ्राइंग पैन, जिसमें हम कबाब फ्राई करते हैं, अंडे बनाते हैं। जो भी आपके घर में नॉन स्टिक का फ्राई पैन है वो ले लें, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें। देखिए, मैंने हाथ से करा है, मेरे पास कोई ब्रश नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने जो नॉर्मल वाइट पेपर होता है ना घर पर, वो लगाया उसके ऊपर कट करके, और एक दफ़ा और उसे ग्रीस कर दिया ऑयल की मदद से। बहुत मामूली सा ऑयल लेना है, सारा बैटर मैंने इस फ्राइंग पैन में डाला, और देखिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया। बहुत सिंपल और ईजी तरीके से आज मैं आपको केक बनाना सिखा रही हूँ। चूल्हे पे पकेगा, देखिए आपके सामने पक रहा है। शुरू के 5 से 10 मिनट आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, तब तक मीडियम टू हाई पे ही पकेगा। और मैं सारी जो मेरा काउंटर टॉप है ना, इसको मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी, नीट एंड क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरा मैडम आ गई है, और अब इनका हाथ ऊपर जाता है, और जब ये हाथ, इनके हाथ में कोई भी चीज़ आती है ना, ये लेके नीचे फेंक देती है। तो यहाँ जो है ना, मैंने साथ साथ मेराल को भी देखना है, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए मेरा स्पंज राइज होने शुरू हो गया। 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना, मैंने फ्लेम को रखा बिल्कुल स्लो पे, और उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट तक ओपन नहीं किया, और इसके नीचे तवा रख दिया था। और देखिए, मैं अब 10 मिनट के बाद ना टूथपिक डाल के देख रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी राइज हो चुका था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको टूथपिक डाल के इंसर्ट करके चेक कर लूँ, लेकिन अंदर से अभी भी ये बिल्कुल गीला था। तो अभी जल्दी से, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के एंड में प्यारा सा कमेंट करना है, और रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, ठीक है जनाब। उसके बाद मैंने मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था, और अब देखिए मेरी टूथपिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकली है। आपने जगह जगह अलग अलग जगहों पर ना टूथपिक इंसर्ट करके देखनी है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल वेट है, और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपकी टूथपिक वेट है, इसका मतलब आप इसको 5 से 10 मिनट और देते हैं, 5 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। हार्डली इस केक को बनने में 1.5 से 1.25 घंटा लगता है, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। मेरी टूथपिक बिल्कुल नीट निकली थी, तो मैंने केक को निकाल लिया है फ्राइंग पैन से, और ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अच्छे से फ्राइंग पैन को ऑयल से ग्रीस करा था, बहुत मामूली से ऑयल से ग्रीस करा था। हाँ, अब क्योंकि ये पेपर बटर पेपर नहीं है, ये नॉर्मल कॉपी का A4 साइज़ का पेपर है, जो हम प्रिंटर में लगाते हैं, तो इसको उतारने में, क्योंकि ये स्टिक हो जाता है, तो थोड़ी सी मेहनत होती है उतारने में। अदरवाइज़ आपके पास बटर पेपर है, तो आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको घरेलू तरीके से, बिल्कुल जो है ना, बग़ैर किसी टूल के केक बनाना सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने भी घर का पेपर ही इस्तेमाल किया है। मेरे पास कोई बेकिंग का पेपर नहीं है, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। मैं जबकि चौथी बार बना रही हूँ, मैं चाहूँ तो ख़रीद सकती हूँ, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि जब घर की चीज़ों से ही केक बन सकता है ईजीली, तो क्या ज़रूरत है फजूल में ना सारे टूल्स लेने की। और मेरी फैमिली को तो ये केक इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैंने फोर्थ टाइम बनाया है। और देखिए, मैं जो बटर नाइफ है ना, उसकी मदद से बस पेपर को हल्का सा ऊँचा करती हूँ और हटा लेती हूँ, और कोई इसके अंदर केक स्टिक नहीं हो रहा। मैं आपको फाइनल लुक एंड में ज़रूर दिखाऊंगी इस स्पंज की, स्पंज की शेप बिल्कुल मेंटेन है, कहीं से भी केक निकल के बाहर नहीं आया, ना ही पेपर के अंदर देखें केक लगा हुआ है।
आप ये केक जो है ना पेपर बहुत इजीली हटा सकते हैं, बस हल्की सी मेहनत होगी, एक कॉर्नर से ज़रा सा ऊंचा करें और उसको पकड़ के खींचें। ये देखें इसमें केक भी नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल सूखा सा पेपर है, आराम से बाहर आ गया है। अच्छा अब आज मैंने आपको बिल्कुल स्पंज बनाना सिखाया है बेसिक सा, अब आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर से डेकोर कर सकते हैं, चाहें तो इसको शुगर के वाटर से भी स्प्रे करके इसको स्पंज को सॉफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्पंज ऑलरेडी सॉफ्ट है, बट अगर आपने ऊपर से क्रीम की फ्रॉस्टिंग करनी है तो फिर लाजमी आपने दूध से या शुगर सिरप से इसको थोड़ा सा सौगी करना होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर चॉकलेट का जो सिरप है ना वो ड्रिजल करूँगी, तो उसकी रेसिपी कंप्लीट भी आपको रिटर्न में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको चॉकलेट सिरप बनाना नहीं सिखाया है क्योंकि मुझे स्पंज को ठंडा करना था और स्पंज को एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पर लाना है, उसके बाद ही इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ड्रिजल करना है। मेरे पास ऑलरेडी चॉकलेट्स थी, मैंने उसको दूध में मेल्ट करा और फिर इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया था। पहले इसको जगह जगह जो है ना टूथपिक की मदद से मैंने इसको इसके अंदर होल्स बनाए, उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर पे दूध होता है वो दूध मैंने ऊपर से हल्का सा ड्रिजल करा ताकि अंदर तक ये बिल्कुल जो है ना हल्का हल्का सा सौगी हो जाए। और फिर मैंने जैसे ही चॉकलेट सिरप तैयार किया था तो गरम गरम चॉकलेट सिरप बिल्कुल जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए उससे थोड़ा पहले यानी कि हल्का सा गरम चॉकलेट सिरप मैंने इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया था जब ये भी रूम टेम्परेचर पे केक आ जाए उस वक्त। तो फिर क्या होता है स्पंज अपने अंदर ले लेता है तमाम तर चॉकलेट सिरप ना, तो फिर आप खाएं तो बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही डेकोरेटिव किस्म का चॉकलेट केक बनता है। जब आपका दिल कर रहा हो ना कि बहुत ही कोई यमी यमी सा आपने केक खाना है तब आप ये बनाएं, और आप यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही इजी सिंपल है, आपके सामने है। चलिए जी मैं आपको केक की फाइनल लुक दिखाती हूँ, पेपर हट गया था और ये है जनाब केक की फाइनल लुक, ये केक की बेस है जिसके ऊपर से मैंने अभी पेपर हटाया, और आप ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना प्रॉपर स्पंज तैयार हुआ है। अब मैं इसको वायर रैक के ऊपर रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए, और ये देखें जनाब मैंने इसको 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखा था ताकि ठंडा हो जाए। अब मुझे तो भाई इसको पता नहीं 4थी या 5वीं बार स्लाइस लेके खा रहा है सारे दिन में, और आपको बताएगा कि ये कैसा बना है। ये देखें कैसा बनाया है मम्मा ने, बहुत मज़े का केक है, जी जनाब। तो ये है मेरे बच्चों की मस्तियाँ, और मैं आपको बता रही थी आज मैंने एक DIY पॉट देखा था इंटरनेट पे कि आप बॉटल के पार्ट को बीच में से कट कर दें और इसके अंदर आप मिट्टी वगैरह भी डाल सकते हैं, होल्स कर दें और इसको एज अ प्लांट पॉट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर जनाब अब मैंने संडे को इंशाल्लाह जाके जो है ना नर्सरी से अपने पॉट्स लेकर आने और प्लांट्स को यहाँ पर सेट करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।